IITians के बारे में आपने सुनाई है, अब उनके स्टूडेंट्स की कामयाबी सुनिए। Myself Kulsumati, Sheikh Aishan Maqbool, Shehzeen Sayed Hussain, Panchal Gupta, Aishik Abdeen, Sheikh Arshad Aziz. My NEET 2023 score is 667 and Alhamdulillah, I am a first ranker of Mumbra. I scored 651 marks in NEET 2023. I scored 612 marks in my NEET UG. I scored 592 in NEET 2023. And I scored 97.02 percentile in April attempt JEE Mains 2023. और मैंने JEE Advanced 2022 भी क्रैक किया है, जिसके बेसिस पे अभी मैं IIT खड़गपुर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में हूँ। आई डिड माई प्रिपरेशन फ्रॉम IIT एंसलन। मेरी एडवाइस मेरे जूनियर्स को यही रहेगी जो डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, स्टार्ट योर प्रिपरेशन जस्ट आफ्टर योर 10th रिजल्ट। ज्यादा जानकारी के लिए IITians विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कॉल करें। अमित शाह के पुणे दौरे में पुलिस ने कई राजनीतिक दलों के और सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों को घर में किया नजर कैद, लिया हिरासत में। क्या देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है? मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश अब लगभग तानाशाही हुकूमत जैसा हो चुका है। जो देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी कहेंगे या उनके सबसे करीबी साथी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, वही पूर्व दिशा होगी। कुछ इस तरह का माहौल अब देश में लगभग बन चुका है। 6 अगस्त को पुणे के पिंपरी चिंचवड़ परिसर में देश के केंद्रीय गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह दौरे पर आए थे। उनका एक कार्यक्रम भी था। इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले अमित शाह जैसे ही पिंपरी चिंचवड़ पहुंचने वाले हैं, उस दरमियान से लेकर उनके वापस दिल्ली जाने तक पिंपरी चिंचवड़ पुलिस ने कई राजनीतिक दलों के, खास करके आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया बुला करके, तो कहीं कईयों को उनके घरों पर नजर कैद किया गया। तो कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को CRPC की धारा 149 के तहत नोटिसें देकर केंद्रीय गृह तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह के दौरे के दरमियान किसी तरह का विरोध प्रदर्शन या काले झंडे न दिखाए जाए, ऐसी चेतावनी दी गई। पिंपरी चिंचवड़ में पुलिस ने वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता मारुति भापकर, इन्हें घर में ही पुलिस ने नजर कैद किया था, भले ही कुछ घंटों के लिए, मगर ये उनके व्यक्तिगत अधिकारों का हनन पुलिस ने किया। उसके बाद आम आदमी पार्टी के शहर अध्यक्ष हैं चेतन बेंद्रे, युवा अध्यक्ष हैं रविराज काले, अनूप शर्मा, राज चाकने, डॉक्टर अमर डोंगरे, वैजनाथ शिरसाट, सीता केंद्रे, चांद मुलानी, ऐसे कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी है आम आदमी पार्टी के, जिन्हें चिंचवड़, चिखली, पिंपरी, देहू रोड, निगड़ी, सांगवी, ये अलग अलग पुलिस स्टेशन है, इन सभी अलग अलग पुलिस स्टेशनों में इन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नजर कैद किया गया। यहां बुला करके उन्हें हिरासत में रखा गया। जब केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह दौरा खत्म करके वापस गए, उसके बाद इन्हें पुलिस स्टेशन से और घर की नजर कैद से आजाद किया गया। इनके अलावा रयत स्वाभिमानी संगठन के प्रदेश संगठक है ऋषिकेश कानवटे और प्रकाश घोड़के, इन्हें भी पुलिस ने घर में ही नजर कैद किया था। इस तरह की कार्रवाई ने जो है राजनीतिक दलों और सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों में और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में एक क्रोध सा भर दिया है। दूसरी तरफ मनसे के शहर अध्यक्ष सचिन चिखले और सामाजिक कार्यकर्ता सचिन कालभोर, इन्हें भी पुलिस ने 149 की नोटिस दी, इनके जैसा अन्य कई लोगों को नोटिस दी। तो पुलिस की यह समग्र कार्रवाई क्या बताती है? तो तानाशाही बता रही है। तानाशाह का एक साथी तानाशाह आता है लोकतांत्रिक देश में, उन्हीं के दौरे के दरमियान, एक केंद्रीय मंत्री है और उन्हीं के दौरे के दरमियान उन्हीं के देश के कई संभ्रांत और संभ्रांत नागरिकों को, जो सामाजिक कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को पुलिस स्टेशन में नजर कैद, घर में नजर कैद, हिरासत में रखने जैसा काम किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के पुणे के पिंपरी चिंचवड़ के केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के इस दौरे ने यही साबित किया है कि अब देश में भारतीय जनता पार्टी ने तानाशाही शुरू कर दी है। वहीं पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई के चलते सभी इन नजर कैद और हिरासत में लिए गए सामाजिक तथा राजनीतिक पदाधिकारियों ने क्रोध व्यक्त किया है और इस कार्रवाई को गैर कानूनी ठहराते हुए इसे सरकार की मनमानी बताया है। पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये देशाचे गृहमंत्री अमित शहा आणि राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा आज सहकार क्षेत्राच्या संबंधित
समृद्धीकडून सहकार्याकडे अशा प्रकारच्या पोर्टलच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं शहरामध्ये प्राध्यापक रामकृष्ण मोरे सभागृहामध्ये ते येत आहेत आणि त्या धर्तीवरती आज सकाळी 6 वाजल्यापासून पिंपरी पोलीस स्टेशनचे 4-5 पोलीस माझ्या घराच्या समोर येऊन थांबले आणि त्यांनी सांगितले की तुम्हाला आज आम्ही घराच्या बाहेर पडू देणार नाही, कारण आम्ही शहाजींचा दौरा आहे, त्या दौऱ्यात कुठलेही आंदोलन कुठल्याही प्रकारची नोटीस कुठलेही निवेदन देता येणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला काही बाहेर जाता येणार नाही अशा प्रकारची त्यांनी सूचना केल्यामुळं आता 12 वाजलेले आहेत. सकाळी 6 वाजल्यापासून 12 वाजेपर्यंत मी घरातच आहे. खरं तर पिंपरी चिंचवड शहरातले अनेक प्रश्न आहेत, त्या प्रश्नांच्या संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांकडे आम्ही निवेदन देत आलेलो आहे. मात्र राष्ट्रीय स्तरावरती मणिपूर सारखी एक अतिशय शर्मेने मान खाली घालावी अशा प्रकारची घटना घडलेली आहे आणि त्यामध्ये देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा हे ते रोखण्यामध्ये सबसेल अपयशी ठरलेले आहेत. महिलांची नग्न धिंड, त्यांचा लैंगिक अत्याचार त्या ठिकाणी झालेले आहेत आणि त्यामुळं संपूर्ण जगात भारताची बदनामी झालेली आहे. हरियाणामध्ये मोठ्या प्रमाणात दंगली सुरू आहेत आणि अशा प्रकारचा घटनाक्रम होत असताना धार्मिक विद्वेष एका बाजूला वाढवला जातोय आणि 2024च्या निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवून राजस्थान मध्य प्रदेश सारख्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून महाराष्ट्राच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अशा प्रकारची सगळी कामं केली जातात आणि म्हणून अशा प्रकारचं जर कृत्य केंद्राच्या सत्तेच्या अखत्यारीत होत असेल राज्यात होत असतील तर त्याला जाब विचारण्याची घटनात्मक अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक म्हणून आम्हाला आहे. आम्ही निवेदन देऊ शकतो आंदोलन करू शकतो, फक्त त्या दौऱ्यामध्ये कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांनी खबरदारी घ्यावी ही कायदेशीर त्यांची जबाबदारी आहे. मात्र अशा प्रकारे घरातच नजरबंद करायचं, पोलीस स्टेशनला डांबायचं, नोटिसा बाजवायच्या ही एक प्रकारे अघोषित आणीबाणी आहे, आणीबाणीच आहे आणि म्हणून याचा आम्ही तीव्र शब्दामध्ये निषेध व्यक्त करत आहोत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असतील, उपमुख्यमंत्री अजित पवार असतील, गृहमंत्री अमित शहा असतील किंवा राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस असतील, यांनी ज्या पद्धतीने ही हिटलरशाही हुकुमशाही चालवलेली आहे त्याचा आम्ही या ठिकाणी तीव्र शब्दात धिक्कार करत आहोत. आणि तुम्ही असे कितीही प्रयत्न करा, कितीही तुम्ही लोकांना तोंड दाबण्याचा प्रयत्न करा, मात्र लोकशाहीमध्ये जनता ही सर्वोच्च असते, जनतेला पर्याय नाही. जनता कोणालाही कुठल्याही नेत्याला केव्हाही जाब विचारू शकते, हे जनतेला मूलभूत त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे आणि त्यामुळं तुम्ही अशा प्रकारची दडपशाही किती केली तरी आम्ही थांबणार नाही. या पुढच्या काळात देखील आमची भूमिका अशीच असणार आहे.